वीर भूमि राजस्थान का सभी भाइया बहने मारो राम राम साहब। मने विश्वास है कि जोधपुरिया देव जी और धन्ना भगत जी का आशीर्वाद मो है सगला अच्छा हो। दुनिया के कोने कोने से लोग भक्ति शक्ति वीरता और अपनायत की धरती राजस्थान में आते हैं, इस धरती को देखने आते हैं, इस धरती के बारे में सीखने आते हैं, यहाँ की पुरानी कहानियों को सुनने आते हैं और ये देखने आते हैं कि यहाँ की वीर और साहसी जनता किस तरह से अपने जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ रही है। आपका प्रदेश कर्तव्य सेवा और वीरता का मिसाल है। इस प्रदेश पर राजस्थान पर हमारे पूरे देश को गौरव है। आप बहुत तालियां बजा रहे थे, एक बार मेरे साथ कहिए जोधपुरिया देव जी की जय, धन्ना भगत जी की जय, अन्नपूर्णा गणेश जी की जय, डिग्गी कल्याण जी की जय। डिग्गी कल्याण जी की कथा तो आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये आपकी परंपरा का हिस्सा है। आपको याद होगा कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए राजा को बहुत तपस्या करनी पड़ी, तभी जाकर वो प्रसन्न हुए। उसी तरह से जो हमारा देश एक लोकतंत्र कहलाया जाता है, लोकतंत्र में जनता ही भगवान होता है, धोती है, जनता जनार्दन है। जनता की सेवा, उसका सत्य, उसका सच्चा अर्थ क्या होता है कि जनता सबसे सर्वोपरि है, परी है, सबसे ऊंची जनता होती है। यही हमारी देश की राजनीतिक परंपरा रही है। आप अगर गांधी जी को देखें, जिसने देश की राजनीतिक नींव डाली, स्वतंत्रता संग्राम लड़ा हमारे लिए, इस देश को आजाद किया, उनको देखिए उनमें कितनी सादगी थी, किस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की जनता को दिया। हमेशा ये कहते थे कि देश का गरीब सर्वोपरि है, कहते थे कि जब तक इस देश के एक भी वासी के आंखों में आंसू है, जब तक वो आंसू हम नहीं पोंछ पाएंगे, तब तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ। यही हमारी लोकतंत्र की नींव है, हमारी राजनीति की नींव है। आज राजस्थान सरकार भी अपने जन कल्याणकारी कार्यक्रम से, योजनाओं से इसी तरह आगे बढ़ रही है, ये समझकर कि गरीब को गणेश जी समझकर और किसान को भगवान समझकर। यही भावना मन में लेकर सरकार के जितने भी अधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, सब इसी भावना को मन में लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। आज मैं सवाई माधोपुर से आई, वहां आप सबको मालूम होगा, खासतौर से मेरी बहनों को, कि वहां रणथंभौर के किले में एक प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है। गई हुई है ना? हाँ, मैंने देखा है। जब भी मैं आती हूँ तो खूब सारी खासतौर से महिलाएं जाती हैं, और मुझे हमेशा ताज्जुब होता है जब मैं उस रास्ते से गुजरती हूँ। मैं भी गई हूँ उस मंदिर में कई बार, तो जब वापस आती हूँ, कभी कभी शाम हो जाती है, जंगल है वहां, आप गई हैं आपने देखा होगा, उसी रास्ते से शेर आते हैं, उसी रास्ते से बाघ चल के आते हैं, उसी रास्ते से कई ऐसे जानवर आते हैं जिनसे अगर आमना सामना हो जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है, चोट पहुंच सकती है। लेकिन मैं हमेशा देखती हूं
कि मंदिर से आते हुए जो लोग हैं वो अपने दिल में श्रद्धा लेकर एक आस्था रखते हैं कि हम मंदिर से आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा, और उसी जंगल के रास्ते से चलते चलते वो अपने घर की ओर चलते हैं। मेरे मन में अक्सर ये बात आती है जब मैं मंदिरों में जाती हूं, लोगों की श्रद्धा को देखती हूं, कि इस तरह की श्रद्धा हम नेताओं के दिल में आपके लिए होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि जनता जनार्दन है तो ये बहुत गहरी बात है, और इस बात को समझना जनता के लिए भी और नेताओं के लिए भी बहुत जरूरी है। हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम दिन रात काम करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे हो जाती हैं, ये हो जाता है कि बहुत सत्ता मिल जाती है इंसान को, तो भूल जाता है कि सत्ता में लायक कौन। और आपको याद ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सत्ता देने वाले आप हैं। आज इन कार्यक्रमों में मैं एक नौजवान लड़की से मिली, शायद मेरी बातों को सुन रही होगी। उसे मोबाइल फोन मिला, अशोक गहलोत जी की जो स्कीम है, जो भाई सरकार कांग्रेस सरकार की स्कीम है, उसके जरिए, और उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने हमें मोबाइल दिया है। और हम भी अक्सर कहते कि हमने ये दी आपको, स्कीम ये दी आपको, ये किया वो किया आपके लिए, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि हम आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, आपका हक दे रहे हैं। ये सब चीजें जो आज राजस्थान की सरकार आपको दे रही है, ये आपके हक हैं। आज देश में परिस्थिति ये है कि देश पर राज करने वाले भाजपा के नेताओं के मन में इतना अहंकार आ गया है कि ये बातें भूल चुके हैं। वही प्रधानमंत्री जो अपने आप को भूमि पुत्र कहते थे, आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। अगर आप महंगाई से जूझ रहे थे, महंगाई राहत कैंपों से पहले अगर आपके जीवन में अत्यंत मुश्किलें थी, तो ये किस लिए थी? कभी आपने ये सवाल उठाया है कि इतनी महंगाई क्यों? हमें जब रोजी रोटी के लिए कमाने जाना पड़ता है, हमें थोड़े से पैसे मिलते हैं, हम जब दुकान जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, मन में शायद बात होगी आपकी मेरी बहने कि आज मैं सब्जी बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, तो आप इस आशा से जाती हैं दुकान की आपको दो चार चीजें खरीद के आएंगी, लेकिन हमेशा आप वापस आ जाती थी आधी चीजें लेकर। गैस का सिलेंडर आज देश भर में 1000 रुपए का है, कौन खरीद सकता है? क्या आप खरीद सकती हैं? यहां पर राजस्थान की सरकार ने आपको 500 में क्यों दिया है सिलेंडर? क्योंकि देश भर में जो महंगाई है उसकी भाजपा के नेताओं को कोई परवाह नहीं है। जब घर पर कोई बीमार पड़ जाता है, अस्पताल ले जाना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है, तो एक तो बीमारी का टेंशन होता है कि किस तरह से इलाज होगा, दूसरा हम कितने पैसे लगेंगे, तीसरा कि हम कमाएंगे कैसे इनका इलाज कराने के लिए। इसी तरह से कोई घर में कमरा बनाना हो, डर लगता है कि कितने का होगा, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम खर्च कर सकते हैं, बारिशें आ रही हैं, पानी चू रहा है ऊपर छत से, छत की मरम्मत करने के लिए आप 10 बार सोचते हैं कि करना चाहिए कि नहीं, हमारे पास शायद पैसे नहीं होंगे। ये नौबत क्यों आई है आज इस देश में कि प्रदेश की सरकारों को महंगाई राहत कैंप लगवाने पड़ रहे हैं? जब पूरे विश्व में तेल की बड़ी बड़ी कंपनियां
खूब मुनाफा कमा रहे हैं और यहां भारत में भी, तो आपके लिए तेल इतना महंगा क्यों? आपने ये सवाल उठाया है, आपको ये सवाल उठाने पड़ेंगे कि ये सब जो आपको दिख रहा है इसमें असलियत क्या है। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में खूब बारिश आई, बारिश की वजह से टीवी पे आपने देखा होगा इतने सारे लोगों के घर गिर गए, खूब भारी नुकसान हुआ, जनता ने झेला ये नुकसान। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि उनकी मदद हो।